ऐसा रहा मैथ रीजनिंग तो पूरे हल्का था, मैथ रीजनिंग पूरा इजी था, पूरा इजी यानी टोटल में टोटल बना दीजिए कोई भी स्टूडेंट बना सकता है। आपका क्या रहा, आपका क्या अटेम्प्ट रहा? ठीक रहा सर। कितना बना है मैथ रीजनिंग ऐसे करेक्ट होगा तो कम से कम 85 करेक्ट पूरा मिला के 100 हाँ सर पूरा मिला के 85 को करेक्ट होगा और गलती चलती था नेगेटिव नहीं था तो रंग दिए पूरा आओ का। अच्छा मैथ रीजनिंग आसानी से बन गया? हाँ मैथ ठीक था, रीजनिंग भी ठीक था, पढ़ने वाले को कोई दिक्कत ना था, ना पढ़ने वाले को तो हमेशा दिक्कत था। आपका क्या रहा? मेरा नाम निशांत आर्या पड़ेगा। अच्छा आपका कैसा रहा अटेम्प्ट? अच्छा रहा। आपने कितना अटेम्प्ट करा? मैंने 75 किया हूँ। 75 ऐसे से जीडी में भी रिजल्ट हुआ। अच्छा आपका फिजिक्स से भी लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग? फिजिकल निकल चुका है। फिजिकल निकल चुका है जीडी का। ओके तो हम आपसे आइडिया लेना चाहेंगे, आपने जीडी की तैयारी कैसे की थी? हमने सबसे अच्छा यूट्यूब से पढ़े थे SSC अड्डा 24/7 से, बहुत अच्छा उस पर स्टडी की, उसके बाद मात्र एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट मेरा 62 नंबर आया 104 नंबर है मेरा, 8 नंबर बढ़ा के दिया हमको नंबरलाइज करके 112 नंबर। और ये एग्ज़ाम भी अच्छा गया है। फिजिकल का तैयारी कितना दिन किए थे आप? फिजिकल तैयारी मात्र हम 10 दिन किए थे। 10 दिन मतलब पहले से ही लाभ लगता है रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह? पहले का आर्मी का तैयारी करते थे ठीक है, उसके बाद SSC GD का रिजल्ट आया अचानक ही, मेरा ID फॉर्म देखे, पहले तो देखे थे मेरा 62 का, तो ये वो कैंसिल कर दिया, दूसरा निकाला तो 13 तारीख था मेरा फिजिकल, 10 दिन तैयारी किए निकल गया। अब बस केवल मेरिट बनना बाकी है। 20 मिनट 3 सेकंड में मारे थे 5 किलोमीटर। अब बस केवल मेरिट बनना बाकी है, मेडिकल और मेरिट। अच्छा मेडिकल और मेरिट। उसके बाद GS का क्वेश्चंस कितना रहा? GS का लगभग 21 मारे हैं। 21 मारे हैं। अच्छा क्या क्वेश्चंस था, कुछ याद है? क्वेश्चन तो कुछ याद नहीं, याद ही नहीं रहता है। करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे? अच्छा था। अच्छा था। कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से? करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन। 4-5। सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है वेवर देखे? यस सर। चलिए आपको SSC GD के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वाह। क्या नाम हुआ भाई? प्रिंस नाम हुआ भैया। कैसा हुआ पेपर? पेपर तो ठीक ही रहा। कितने बनाए? कितने बना है? 40-90 था, उसमें से 70 अटेम्प्ट किए होंगे। मैथ रीजनिंग में क्या अटेम्प्ट रहा? मैथ रीजनिंग में ठीक था क्वेश्चन, मतलब उतना भी अगर पढ़ के जाते तो कर लेते कोई भी। मैथ रीजनिंग तो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। हाँ अब बिहार का ऑब्वियसली बात है कि मैथ सबका मजबूत ही रहता है। मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं। हाँ एंड इंग्लिश और GS का? इंग्लिश और GS भी ठीक था, बस पढ़ते थोड़ा सा, रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था एक दो, मतलब रिलेटेड था करंट अफेयर से। हाँ करंट अफेयर का रिसेंट का था या पुराना? कुछ पुराना भी था, रिसेंट भी था। कुछ क्वेश्चन याद है? कुछ क्वेश्चन उतना नहीं, बट अभी इंग्लिश का याद है, मतलब आया था, मतलब कुछ ब्लैंक्स करके था, उसी में भरना उड़ना था। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। अच्छा हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिला कि नहीं? हिस्ट्री वगैरह से हाँ था। पॉलिटिकल साइंस से था, जैसे अभी उपराष्ट्रपति कितने साल तक रहते हैं? 5 ईयर्स। साइंस से भी था, अभी बायोलॉजी से था, 2-3 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री वगैरह से भी होगा? केमिस्ट्री से शायद थे, याद नहीं उतना। फिजिक्स से थे। पैसेज था कि नहीं इंग्लिश में? पैसेज वही तो पैसेज था जिसमें फिल इन द ब्लैंक था, उसको ऑप्शन करके भरना था, पैसेज था। आइटम्स एंड फ्रेजेस हाँ वो भी थे, और फिर एनम्स भी थे। संतोषजनक पेपर गया? हाँ भैया। आपको शुभकामना। ठीक है भैया, थैंक यू।